डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट टर्म के बाद आपकी पढ़ाई का नया सिलसिला शुरू हो रहा है। उम्मीद है कि आपकी ईद की छुट्टियां अच्छी गुजरी होंगी, आपके पेपर भी अच्छे हुए होंगे। तो आज हम इंग्लिश की बुक सब खोलें, आज हम इंग्लिश का नया चैप्टर शुरू करेंगे। हमने इससे पहले ग्रामर भी आपको शुरू कराई थी, उसका वो सिलसिला कंटिन्यू होता रहेगा। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 मादरे मिल्लत, पेज नंबर 63। पेज नंबर 63 पे देखें, मादरे मिल्लत यानी कि मोहतरमा फातिमा जिना, जो कायदे आज़म की छोटी बहन थी, उनके बारे में बताया गया है कि जिस तरह कायदे आज़म ने पाकिस्तान के लिए की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की, तो मोहतरमा फातिमा जिना भी अपने भाई के शाना बशाना काम करती रहीं और पाकिस्तान की आज़ादी में दूसरी ख़वातीन के साथ मिलकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी खिदमात क्या थी, उन्होंने किस तरह मेहनत की, उन्होंने किस किस तरह काम किया, ये उनके बारे में पूरे इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, चैप्टर बड़ा है इसलिए गौर से देखिएगा, मैं बीच बीच में आपको तर्जुमा बताती रहूँगी, लेकिन इस पूरे चैप्टर का यही मकसद है कि मादरे मिल्लत के बारे में आपको बताया जा रहा है, मोहतरमा फातिमा जिना के बारे में। ठीक है, मैं रीडिंग कर रही हूँ। हिस्ट्री रिकॉर्ड दोज ग्रेट सोल्स इन गोल्डन वर्ल्ड, तारीख में उन लोगों के नाम याद रखे जाते हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह दिल से इंसानियत की खिदमत की। वो सर्व ह्यूमैनिटी इन वन वे और द अदर, ह्यूमैनिटी कहते हैं इंसानियत की, इन इंस्टॉलिंग स्प्रिट अपनी पूरी रूह के साथ, यानी कि तो जो तरक्की की राह में रूह फूंक देते हैं एक अंदर, सही है, वो एडवांसिंग द कॉज ऑफ लिबर्टी जस्टिस एंड पब्लिक वेलफेयर, इट इज़ ऑल दोज डियरिंग एंड डेडिकेटिंग सोल्स who have helped their countrymen and humanity in creating order cut off chose towards promoting peace and harmony and towards creating a better world। सही है, यानी कि जो वो दिलेर होते हैं, जानिसार होते हैं, जिन्होंने हम वतनों और इंसानियत को इंतशार, यानी कि जो बिखरे हुए होते हैं उनसे निकालने के लिए, अमन और हम आहंगी को फ़रोग देने के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करते हैं। तो मोहतरमा फातिमा जिना की वो खिदमात जो उन्होंने बरसगीर और पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए की थी, सही है, तो वो बताया गया है आपको, डेडिकेटिंग अपने आप को वक्फ कर देते हैं, सही है, कि जो उन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया, अपनी ज़िंदगी को उस मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान की जिद्दोजहद के लिए वक्फ कर दिया था, सही है। चोज़ कहते हैं जैसे इंतशार से बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करने, और टूवर्ड्स प्रोमोटिंग पीस यानी अमन के जानिब रागिब करने के लिए जो भी उन्होंने कारनामे अंजाम दिए। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए, द सर्विसेज डेट मोहतरमा फातिमा जिना रेंडेड ऑफ पाकिस्तान एंड द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट कैन नेवर फॉरगेटन। अब जो इस सिलसिले में खिदमात मोहतरमा फातिमा जिना की हैं, जिन्होंने बर आज़म एशिया के लिए मुसलमानों के लिए की, वो कभी भी नहीं भुलाई जा सकती। शी वॉज बॉर्न इन 1893, 1893 में पैदा हुई, एंड हर सीनियर कैम्ब्रिज इन 1913, उनके बारे में बताया गया है कि फिर कैम्ब्रिज की तालीम हासिल की 1913 में। ही गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ डेंटल कॉलेज इन 1919। बेसिकली वो जो उनका पेशा था ना, वो डेंटल कॉलेज से उन्होंने तालीम हासिल की, तो डेंटिस्ट थी, डॉक्टर बन गई थी। नॉट ओनली शी डिड ट्रेन हर सेल्फ एज डेंटिस्ट बट ऑल्सो विद कायद आज़म इनकरेजमेंट ओपेंड अ डेंटल क्लिनिक इन 1923। दांतों का एक अस्पताल भी उन्होंने कायम किया था, एंड वर्क ऑन अ वॉलेंट्री बेसिस, और जहाँ वो पे लोगों के लिए मुफ्त काम भी करती थी।
सही सामाजिक तौर पे वो काम करती थी और ही हैड लिव्ड एंड स्ट्राइव्ड, उन्होंने कोशिश भी की थ्रू आउट हर लाइफ अपनी ज़िंदगी में के लोगों की खदमत करें, गेट द पीपल देयर। पेज नंबर आइए 64 पे, सोशल एंड डेमोक्रेटिक राइट, शी स्टूड फॉर जस्टिस, फंडामेंटल राइट, फ्री प्रेस एंड द रूल ऑफ लॉ। शी रोज एज अ फोर्समेंट फॉर मोस्ट सिंबल एंड एडवोकेट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ विच कायद अजम हैड स्टूड एंड स्ट्रगल एंड बाय विच शी हर सेल्फ हैड स्टूड विद द ग्रेट डिटर्मिनेशन। वो उन्होंने इंसाफ के लिए अपने मुसलमानों के बेसिक राइट के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया और कानून के मुताबिक हो गई और अपने उसूल जो कायदे आज़म ने बनाए थे उनके साथ शामिल हो गई, स्ट्रगल जिद्दोजहद की, बहुत कोशिश की और कायदे आज़म के साथ साथ खड़ी रहीं उनके इरादों में, उनकी ताकत में, अपने भाई के साथ। सही है, डिटर्मिनेशन जैसे इरादे को कहते हैं, कुव्वत इरादे। हर स्ट्रेट फास्ट एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल, सही है, वो सबसे बड़ी अलामत के तौर पर उभरी। सही है, स्टेट फास्ट उभर जाना, एडहेरेंस अलामत, सही है, कि उन उसूलों की वकालत की जो कि कायद अजम ने बनाए थे, टू प्रिंसिपल उसूल। हर करेज एंड हर स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर वर द डिस्टिंक्ट क्वालिटीज विद विच शी परफॉर्म एन एक्टिव पब्लिक रोल इन द कंट्री अफेयर्स। यही वजह थी कि अपनी इस खूबियों के साथ साथ उन्होंने बेहतरीन अपना किरदार अदा किया लोगों में जाकर, रोल इन द कंट्री, मुल्क के मामलात में। फातिमा जीना वॉज कंटेंट टू लिव इन द शेडो ऑफ कायदे आज़म। फातिमा जीना जो थी हमेशा कायदे आज़म की साया बनकर चलती रहीं, उनका हाथ बटाती रहीं, उनको सपोर्ट करती रहीं कायद अजम, एंड शी अकम्पेन्ड और बेहतरीन साथी वो साबित हुई अपने भाई की, वेयर एवर ही वेंट, जहाँ वो जाते थे, नर्सिंग एंड ट्रेंडिंग हिम व्हेन ही वॉज सिक। ऑन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ फातिमा जिना, जब वो बीमार हुए तो उनकी खिदमत भी की। पर्सनैलिटी वॉज डेट ऑल थ्रू हर लाइफ, She had performed the role of modern Muslim lady. और बहुत ही अहम उनका काबिल ज़िक्र खासा ये था कि मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ात को उन्होंने बहुत उनकी खिदमत की और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के दौरान एक मॉडर्न मुसलमान खातून का किरदार अदा किया, यानी कि अपने साथ साथ अपने पेशे के साथ साथ वो मुखलिस रहीं और अपने कायदे आज़म अपने भाई का साथ देती रहीं, बीमार हुए तो खिदमत भी की। सही है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। शी वॉज डिटरमाइंड टू प्रैक्टिस द वैल्यूज शी डीम्ड इम्पॉर्टेंट इन द टू गिव मीनिंग एंड पर्पस टू वंस लाइफ and above all to contribute of the uplift and welfare of humanity. सही है, यानी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली फातिमा जिन्ना ने का किरदार मुसलमान ख़वातीन में बेदारी पैदा करने के लिए बहुत काबिल तहसीन है। उन्होंने दूसरी ख़वातीन को भी मुतासिर किया, सही है, और हिस्सा लिया के वो मर्दों के शाना बशाना आज़ादी में आज़ादी की जद्दोजहद में खड़ी हो जाए और उन्हें तरगीब दी कि हम अपनी आज़ादी का दिन आज़ादी की जद्दोजहद अपने भाइयों के साथ मिलकर उनके साथ खड़े होंगे। हर विल पावर, हर कैपेसिटी फॉर डिसीजन मेकिंग, सही, हर फैसले में उनका साथ देंगे। हर बिलीव इन हार्ड वर्क एंड हर डेडिकेशन टू सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्ट ऑफ द पुअर वुमेन, और जो गरीब औरतें हैं जो अपने वसाइल की वजह से आगे नहीं आ सकती, हम उनको ऊपर उठाएंगे, उनको सामने लेके आएंगे। फोक इन
fork indicated the progressive streak thinking, a streak that it requires women to rise for their rights by active participation to be useful to the community and the country. उसके बाद जो उनके हुकूक हैं उनको दिलवाएंगे और इस सारे माशरे में उनको एक औरतों का एक काबिल कदर जो किरदार है वो हम सामने लेके आएंगे. यानी अब उनकी ज़िंदगी का ये मकसद था. फातिमा जिना, नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ पे आइए. पेज नंबर 64 का लास्ट पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ. फातिमा जिना जिनाज़ रोल इन अवेकनिंग अमंग द मुस्लिम वुमेन इज़ हाईली अप्रिशिएबल. शी इंस्पायर अदर वुमेन टू स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विच मैन. के फातिमा जिना का ये किरदार के मुसलमान खवातीन बहुत तारीफ़ के काबिल थी और उन्होंने अपने औरतों की काबिल कदर करने में को सराहा और मर्दों के शाना बशाना शोल्डर बाय शोल्डर शाना बशाना खड़ी रही ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल आज़ादी की जद्दोजहद में. शी इंड्यूस्ड उन्होंने मुतारिफ़ कराया, उन्होंने तरगीब दी देम पार्टिसिपेट इन द सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी. उन्होंने ये तरगीब दी कि हर चीज़ में हिस्सा लें, सोशल में, समाजी में, सियासी में, हर चीज़ हर काम में हिस्सा लें. फातिमा जिना पॉलिटिकल रोल ड्यूरिंग द 1950 जब था तो उसमें उनका क्या किरदार रहा. 1950 से लेकर 1960 तक helped the great deal in making women role respectable and credible. यानी बहुत ज़्यादा 1950 से लेकर 1960 तक फातिमा जिना के सियासी किरदार ने आवामी ज़िंदगी में ख़वातीन को की बहुत ज़्यादा मदद की. उसके बाद उन्होंने आने वाले सालों में ख़वातीन के किरदार को समाजी ज़िंदगी में आसान बना दिया और बग़ैर किसी रुकावट के वो पाकिस्तान में अपना एक सियासी किरदार अदा कर सकें. नेक्स्ट पेज पर आइए. 65 इन पब्लिक लाइफ इफ़ इट फैसिलिटेड अदर वुमेन. उन्होंने तरगीब दी, औरतों को उभारा, बताया इन लेटर एरियाज़ बाद में कि अपने सियासी किरदार अदा करें. पब्लिक लाइफ एंड प्ले आउट पॉलिटिकल रोल्स विदाउट एनी हिंड्रेंस, बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर किसी रुकावट के. हिंड्रेंस कहते हैं रुकावटें. शी फर्मली, वो बिल्कुल मुकम्मल दिल से यकीन रखती थी, बिलीव डेट वुमेन आर द कस्टोडियंस ऑफ अ सेक्रेड ट्रस्ट. इसका मतलब ये है कि वो यकीन रखती थी कि ख़वातीन बहुत काबिल क़दर है, कि उन्होंने दूसरे ख़वातीन को तरकीब दी थी कि उनको काबिल एहतराम और मोतबर बनाने की भी कोशिश की थी, कि औरतें मुक़दस फरीज़े की मुहाफ़िज़ हैं. सही है कि औरतें इस मुक़दस फरीज़े की मुहाफ़िज़ हैं. सेक्रेड ट्रस्ट मुक़दस फरीज़ा और कस्टोडाइंस माने मुहाफ़िज़ होते हैं. यानी कि जो भी खदमात मुल्क के लिए बाद में भी करती रहीं तो इस मुक़दस फरीज़ा जो कि अल्लाह ताला ने दिया है उसकी मुहाफ़िज़ है. सो ऑल थ्रू आउट, तो हर सारी ज़िंदगी उन्हें ये खिदमत करनी है. शी इंस्पायर्ड वुमेन टू प्ले डेट ड्यू रोल इन द ऑनवर्ड एडवांस ऑफ नेशन. उसके बाद लिहाजा अपनी पूरी ज़िंदगी के दौरान उन्होंने ख़वातीन को मुतासिर किया वो कौम की बढ़ती हुई तरक्की में अपना दुरुस्त किरदार अदा करें. एडवांसमेंट, बढ़ती हुई तरक्की. सही है. लास्ट पैराग्राफ देखिए. लाइक कायदे आज़म शी ऑल्सो बिकेम अ सिंबल ऑफ आइडिया. लिबर्टी डजेंट कम डाउन टू अ पीपल. लिबर्टी आज़ादी को कहते हैं. कायदे आज़म की तरह वो भी एक तसव्वुर की अलामत बन गई. ठीक है, यानी लोग उनकी पर्सनैलिटी को भी आइडियाज़ करने लगे, सही आइडियल करने लगे कि हाँ इनकी भी एक खूबसूरत पर्सनैलिटी थी जैसे कि आज भी कायदे आज़म की है. दे मस्ट रेज डेमसेल्फ टू इट
Likewise, democracy is never given or ensured for mere asking. It calls of sincerity, sincerity of purpose and sacrifices on the part of both the leaders and the followers, and to the cherished memory of Muhtarma Fatima Jinnah. The sacrifices the people have made in the quest for democracy, quest maine talash karna democracy over the decades represent the most fitting tribute. Yani is tarah jamhoori mehz मांगने से नहीं दी जाती, यहाँ से होती ये रहनुमा और जो इसके मानने वाले होते हैं दोनों की जानिब से खुलूस नियत और क़ुरबानी का तकाजा करती है। तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने खूबसूरत की याद में लोगों ने अशरों से जमहूरियत की जस्तजू के लिए काबिल ज़िक्र क़ुरबानियाँ दी हैं, जो आला तरीन खराज तहसिन की नुमाइंदगी करता है। सही है, आला तरीन यादें, चेरिशाइस माने आला तरीन यादें, यानी ऐसी यादें जो भुलाई ना जा सकती हों, जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना की हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। सही है कि वो आइंदा अशरों के लिए, डिकेड्स कहते हैं 10 साल 20 साल 30 साल, अशरों के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी। सही है, आ गई बात समझ में। तो इस तरह ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। इसकी रीड, इसका टाइटल पेज बना के इसकी एक पेज इंग्लिश की राइटिंग करें आप, ठीक है। उसके बाद आंसर क्वेश्चन है जो आपको भेज दिया जाएगा, इसके मुतालिक जो एक्सरसाइज है, ये आंसर क्वेश्चन अपनी कॉपी में उतारेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे उसके बाद। सही है, नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 66, इसमें आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, ये उतारेंगे बस। बस ये तीन एक्सरसाइज, ठीक है, यानी आंसर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और इसके अलावा जो लास्ट टाइम ग्रामर का सिलसिला शुरू किया था उसको, वो कंटिन्यू हम आगे टाइम टू टाइम उसको करते रहेंगे। आपका काम ये है कि पिछला काम कंप्लीट करके ये नया सबक का काम भी आप कंप्लीट करें, ठीक है।